तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव को श्यामनगर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए हुए करीब चार दिन का समय हो चुका है। ऐसे में अब उपेन यादव की रिहाई को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। उपेन यादव के समर्थन में अब राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी उतर चुके हैं। निर्मल चौधरी ने सुबह सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए दोपहर 3 बजे श्यामनगर थाने के घेराव की चेतावनी दी थी। इसके बाद श्यामनगर थाने को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। करीब 3:15 पर निर्मल चौधरी जब समर्थकों के साथ श्यामनगर थाने पहुंचे तो पुलिस ने थाने करीब 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग करते हुए निर्मल चौधरी और समर्थकों को रोका। इसके बाद करीब 1 घंटे तक बैरिकेडिंग पर भी रुकने के बाद भी निर्मल चौधरी की मुलाकात उपेन यादव से नहीं हो पाई। पुलिस प्रशासन जैसे इनकी मर्जी हो रही है वैसे तो मुकदमे थोप रहे हैं, जैसे इनकी मर्जी हो रही है वैसे ही अन्याय कर रहे हैं इसके साथ, जो कि कतई उचित नहीं है। और हम लोग इसीलिए आज पुलिस प्रशासन से वार्ता करने के लिए भी आए हैं कि आप इस प्रकार से क्यों अन्याय कर रहे हो। पुलिस प्रशासन का विरोध करना है, सरकार को विरोध करना है, इनको जगाने के लिए आए हैं। क्या आप एक युवा की आवाज दबाओगे तो हजारों युवा निकल के आगे आएंगे, कोई डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव को 19 तारीख को चूरू से पुलिस ने हिरासत में लिया था। तकरीबन 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद उनको ठगी के एक मामले में गिरफ्तार दिखाया गया था। तकरीबन 5 दिन का समय बीत चुका है और पुलिस ने उपेन यादव को पुलिस रिमांड पर भी ले रखा है, लेकिन अब उपेन यादव के समर्थन पर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी उतर चुके हैं। निर्मल, आज उपेन यादव के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे? जी बिल्कुल आया हूँ उपेन भाई के साथ। इस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, इस प्रकार से तो ये राजस्थान के किसी भी युवा को पीड़ित कर सकते हैं, उसके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, कुचल सकते हैं, दबा सकते हैं, ये युवा शक्ति ये सहन नहीं करेगी। मैं आज उपेन यादव के पक्ष में इसलिए आया हूँ क्योंकि वो बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, वो बेरोजगारों की आवाज़ है, उसको कैसे दबाने देंगे, कैसे सरकार अपने फायदे के लिए उसको पीड़ित कर देगी, अत्याचार कर देगी। आज उपेन यादव के माता पिता पर क्या बीत रही कि इस प्रकार से उनके बेटे के ऊपर अत्याचार करके अन्याय कर रहे हैं, बेवजह थाने के अंदर बंद कर दिया। 2016 का मुकदमा है, 2016 तक क्या पुलिस और सरकार अभी तक सोई रहते क्या? अभी तक इनको मुकदमा नहीं दिखा था। अब जब सरदार शहर का उपचुनाव आया और जब उपेन उसका विरोध करने के लिए वहाँ विरोध रैली करने के लिए पहुंचे तो इनको अरेस्ट करके यहाँ थाने में ला के बंद कर दिया। ये तो एक अंग्रेजों वाली नीतियाँ हैं कि आप इस प्रकार से अन्याय करोगे, इनको जेल में बंद कर दोगे, डरा दोगे युवाओं के कि इनको देख के और लोग आगे नहीं आएंगे। पुलिस प्रशासन जैसे इनकी मर्जी हो रही है वैसे तो मुकदमे थोप रहे हैं, जैसे इनकी मर्जी हो रही है वैसे ही अन्याय कर रहे हैं इसके साथ, जो कि कतई उचित नहीं है। और हम लोग इसीलिए आज पुलिस प्रशासन से वार्ता करने के लिए भी आए हैं कि आप इस प्रकार से क्यों अन्याय कर रहे हो। पुलिस प्रशासन का विरोध करना है, सरकार को विरोध करना है, इनको जगाने के लिए आए हैं। क्या आप एक युवा की आवाज़ दबाओगे तो हजारों युवा निकल के आगे आएंगे, कोई डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। लगभग 40 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है आपको यहाँ आए हुए, क्या किसी प्रकार की वार्ता के लिए कुछ कहा गया? इनके अधिकारियों से इनकी वार्ता चल रही है, क्या समाधान निकलता है देखते हैं। पहले भी आपने मुलाकात की कोशिश की थी? जी उपेन से पहले भी मुलाकात? हाँ बिल्कुल, मैंने उपेन से पहले भी मिलने की खूब कोशिश की थी पर मेरे को मिलवाया नहीं। मैंने कहा था ऐसा क्या हार्डकोर अपराधी है जो मेरे मिलने से पुलिस प्रशासन की नुकसान पहुंचेगा, ऐसा कौन सा आधार है जिसके नुकसान झेल रहे हो आप? बिल्कुल, ये निर्मल चौधरी हमारे साथ थे। बड़ी संख्या में जो युवा हैं मौजूद हैं, तो वहीं अभी तक भी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, अभी तक भी वार्ता के लिए। निर्मल चौधरी का सिर्फ यही कहना है कि मेरे को एक बार उपेन यादव से मिलाया जाए, क्योंकि लगातार इस मामले में विरोध बढ़ता जा रहा है, पूरे प्रदेश के बेरोजगार एकजुट होते जा रहे हैं। अब राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष का समर्थन भी मिल चुका है, ऐसे में देखना होगा कि अब आने वाले समय में यह आंदोलन किस करवट पर बैठेगा। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ ललित वर्मा, जी।